जय हिंद दोस्तों, दक्षिण मिलिट्री स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आपके अटल आवासीय विद्यालय के एग्ज़ाम चल रहे हैं। कुछ मंडलों में एग्ज़ाम हो चुके हैं, कुछ में होने वाले हैं। सभी मंडलों में 18 जून तक ये सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, तो उसके लिए हमने एक प्रैक्टिस सेट की आपकी सीरीज चला रखी है, जिसमें हम आपको मैथ का, रीजनिंग और हिंदी के सारे प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, जिसकी टाइमिंग शाम में 5 बजे से 7 बजे तक है। हम 5 सेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये छठा सेट है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट आ रहा है, तो आप साथ के साथ पूछते चलें, अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखते चलें। अगर आपको इसके मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट वगैरह चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इसके लिए पूछ कर प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर ले सकते हैं, तथा अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6 कर रहे हैं हम, जिसमें हम मानसिक योग्यता परीक्षण का भाग कर रहे हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण में भाग एक में पहले से चार एक से चार तक प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें हमें क्या बताना है कि तीन किसी तरीके से संगत हैं और एक जो प्रश्न है वो भिन्न है, तो हमें वो भिन्न प्रश्न छाँटना है। अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें, तो यहाँ पर हम पाएंगे कि सभी क्वेश्चंस में एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का बन रहा है, लेकिन केवल डी पार्ट ऐसा है जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। दूसरे क्वेश्चन को देखें, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के विपरीत जो कलर हो रखा है, एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन इस फिगर में एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर भाग तीन की बात करें, तो हर जगह पर ये क्या है, विकर्ण की तरह बीच में खिंचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये विकर्ण इसका कर्ण नहीं है, डायगोनल नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग भी अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलिएगा, ताकि आपको भी और हमें भी ये पता चलता रहे कि कितने आंसर्स आपके सही आ रहे हैं, कितने गलत हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 को अगर हम देखें, तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक पंखड़ी कलर है और दो जो बाकी पंखड़ी हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन इस फिगर में ये दोनों पंखड़ियाँ एक साथ हैं, इसलिए हमारा डी ये आंसर हो जाता है। चलिए जी, भाग सेकेंड की बात करते हैं, जहाँ पर प्रश्न 5 से 8 तक प्रश्न दिए हुए हैं, जहाँ पर हमें सिमिलर फिगर छाटनी है। तो आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा और इसके सिमिलर फिगर हमें बतानी है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, तो 5 के सिमिलर फिगर जो है हमारी ए पार्ट में ही दे रखी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सवाल नंबर 6 की बात करते हैं, तो सिमिलर फिगर अगर हम देखते हैं, तो कहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, तो ये डी पार्ट में दिखाई दे रही है। किसी बच्चे को भी कोई डाउट आता है, साथ के साथ पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो 7 हमें किसके सिमिलर दिखाई दे रही है, तो सी पार्ट में हमारा ये आंसर दे रखा है, तो सी फिगर हमारी क्या है, इसके सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो देखिए दो इधर 3 है, बाकी जगह पर दो दो एरो दे रखे हैं, तो ऐसा कौन सी फिगर में दे रखा है, केवल बी पार्ट में दे रखा है। ध्यान से करते हुए चलें, यही आपका आंसर सही है। भाग 3 की बात करें, 9 से 12 तक प्रश्न दिखाए गए हैं, जिसमें से एक भाग लुप्त है, तो हमें वो लुप्त वाला हिस्सा ढूंढना है, फिगर कंप्लीट करनी है, वही हमारा आंसर होगा। देखिए, जैसे इस फिगर की हम बात करें, तो यहाँ पर हमारा ये फिगर इस तरीके से कंप्लीट होगी, और यहाँ पर दो सर्कल, तो 3 सर्कल हमारे इस तरीके से, और एक ये 4, और ये फिगर यहाँ पर ऐसे बनेगी। तो ऐसा कौन सी फिगर में दे रखा है, अगर क्वेश्चन नंबर 9 को हम ध्यान से देखते हैं, तो डी पार्ट हमारा जो है वो सही हो जाता है। चलिए जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम ध्यान से देखें, तो फिगर कंप्लीट हमें करनी है, तो किस तरीके से हम फिगर कंप्लीट कर सकते हैं, देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एरो ऐसे इसको कंप्लीट करेगा, और यहाँ से ये इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो ऐसा कौन से भाग में दे रखा है, ये आंसर हमारा बी पार्ट में दे रखा है, तो बी पार्ट हमारा करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, तो 11 में भी हमें फिगर कंप्लीट करनी है, इस फिगर को हम यहाँ से मिलाएंगे, और बीच से लाइन हमारी ऐसे निकल के जा रही है, और 2 सर्कल हमारे यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये कौन सी फिगर में दे रखा है, 11 में डी पार्ट में दे रखा है, तो डी पार्ट हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। 12 को अगर हमें फिगर कंप्लीट करनी है, तो कौन सा पार्ट हिस्सा इसमें लगना है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे मिस भी हो रहा है, तो आप उसको दोबारा देख लें, वीडियो को रोक के दोबारा देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, इसका यही पार्ट करेक्ट हो जाता है। 13 से 16 तक पार्ट 4 में दिए हुए हैं, इसमें क्या दे रखा है, श्रेणी को पूरा करना है हमें,
तो श्रेणी पूरी करने के लिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये दो लाइन से मिलके बना था, यहाँ पर तीन लाइन हो गई, यहाँ पे एक चौथी लाइन आ गई, तो अब इस बार क्या होगा, एक पांचवी लाइन यहाँ पर आ जाएगी। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यही ऑप्शन में दे रखा है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर तीन दिए हुए हैं, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर दो हो जाते हैं, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर तीन, सॉरी एक यहाँ से घटता है, फिर यहाँ से घटता है, तो इस बार कहाँ से घटना चाहिए क्वेश्चन नंबर 14 में, अगर हम देखें तो एक नीचे की तरफ से घटेगा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए जी आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15 में हम देख रहे हैं कि नीचे यहाँ पे तीन हमारे त्रिभुज दिए हुए हैं, यहाँ पर चार, यहाँ पे पांच, तो हमें क्या चाहिए फिगर में, छह त्रिभुज वाला हमारा आंसर होना चाहिए। कौन से उसमें दे रखा है, 15 के बी पार्ट में दे रखा है, यहाँ पर तीन थे, फिर यहाँ पे दो सर्कल हुए, यहाँ पर एक हुआ, यहाँ पर एक भी नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, 16 को ध्यान से आप फिगर को देख लें, एक एक इसमें ऐड होता जा रहा है, एक बार ये एरो ऐड हो रहा है, दूसरी बार ये साइड वाली फिगर ऐड हो रही है, तो ये कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है इसमें, सब लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सी पार्ट जो है करेक्ट हो जाता है। 17 से पाँच भाग में दिया हुआ है, पाँच भाग पाँच में 17 से 20 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें हमें क्या बताना है, जिस तरीके से पहले का संबंध दूसरे से, उसी तरीके से दूसरे का संबंध तीसरे से बताना है। तो यहाँ पर देखिए ई बना हुआ था, इसको केवल बीच वाली लाइन को छोड़कर ये घूम जाता है, इसी तरीके से जब एफ बना हुआ है तो बीच वाली लाइन को छोड़कर ये घूम जाएगा इस तरीके से। तो ऐसा कौन सी फिगर में दिया हुआ है, डी फिगर में दिया हुआ है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, तो 18 को आप ध्यान से देखें, ये वाली फिगर ऐसे थी, ये यहाँ पर सेम आ गई और इसकी जगह पर यही फिगर इसने इसको रिप्लेस कर दिया, तो इसी में भी ऐसा होगा, यहाँ पर ये सेम आ जाएगी और ये फिगर यहाँ पर कलर होके आ जाएगी, इसी को रिप्लेस कर देगी, तो ऐसा किस में दिया हुआ है, बी पार्ट में दिया हुआ है, तो बी पार्ट हमारा करेक्ट हो जाता है। 19 देखिए कितना आसान है, केवल यहाँ से बीच में कट लगाने हैं, तो ऐसा कौन सी फिगर में दिया हुआ है, 19 का हमें दिखाई पड़ रहा है कि दूसरे में दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए जी आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 20 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर तीन बिंदु हो जाते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर एक बिंदु और तीन बिंदु, और जो अंदर वाली फिगर है वो बाहर आ जाएगी, तो अंदर वाली फिगर बाहर कौन से ऑप्शन में दे रखी है, तो 20 के सी पार्ट में ये दे रखा है, तो यही क्वेश्चन हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। देखिए भाग 6 की बात करते हैं, यहाँ पर हमें क्या है कि आकृति को पूरा करना है, तो आकृति को पूरा करने के लिए हमें जो आंसर में से आकृति ढूंढनी होगी, तो अगर हम इस आकृति को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो कौन सी आकृति हमारी इसमें फिट बैठेगी वो हमें देखना है। तो जो इसमें आकृति सही आ रही है 21 में, आप लोग भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में करते चलें, वो कौन सी है, 21 का ए हो जाएगा। 22 की बात करें, 22 को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो 22 हमारी इस तरीके से पूरी होगी, तो इसको अगर हम पूरा करते हैं तो ए पार्ट इसका भी यही पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 23 की अगर हम बात करें तो 23 की आकृति को अगर हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, देखिए इसमें ये त्रिभुज बनेगा, तो इसमें चतुर्भुज बनाने की कोशिश ना करें, तो 23 का अगर हम देखें तो हमारा बी पार्ट इसको पूरा कर पा रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 24 में अगर हम आकृति को पूरा करना चाह रहे हैं तो हमें इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा, और इसको अगर हम मिलाते हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है हमें, ध्यान से देखें आप लोग, ये ऊपर से हल्का सा कटा हुआ भी है, तो ये इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा है। चलिए जी आगे बात करते हैं, भाग 6 में जहाँ पर 25 से 28 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं और दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन इस बार ध्यान रखें कि जो हमारा दर्पण है वो नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो हम क्या ध्यान करेंगे कि जो ऊपर की चीज़ है वो पलट जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। ये दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब की तरह काम करेगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ लगा हुआ है। तो 25 का अगर हम देखें तो 25 में कौन सा सवाल का आंसर होगा हमारा, 25 में अगर हम पलटेंगे तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड की चीज़ है वो लेफ्ट में रहेगी, जो राइट की चीज़ है वो राइट में ही रहेगी। 26 की बात करते हैं, तो 26 को ध्यान से देखें आप, तो 26 को पलटेंगे तो क्या बनेगा, बी पार्ट हमारा करेक्ट हो जाता है। 27 फिगर को आप देख लें, इसके आंसर को देखते हैं, तो 27 में हमारा सी पार्ट करेक्ट हो जाता है। देखिए किसी बच्चे को डाउट आए तो आप साथ के साथ पूछते हुए चले। उसके बाद में 28 की बात करते हैं, एस ओ टी लिखा हुआ है, एस ओ टी को पलटेंगे हम तो कौन सी फिगर हमारी बननी चाहिए, सब लोग जवाब दें फटाफट, तो बी फिगर हमारी करेक्ट है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है।
भाग आठ की बात करते हैं, जहां पर 29 से 32 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं और बीच में एक पारदर्शी सीट बिंदीदार रेखा प्रारित है, उसे हमें बीच से फोल्ड करना है, तो जो हमारी फिगर बन के आएगी हमें वो बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, 29 में हमारा ए पार्ट करेक्ट हो जाता है इसको जब हम मिलाएंगे। इसी तरीके से जब हम 30 को मिलाते हैं तो 30 में हमारा इस फिगर, ये तीनों इसी के अंदर आ जाएंगे। तो ये कौन से इसमें दे रखा है, डी पार्ट में। तो देखिए ये जो सर्कल है इस तरीके से आधा कलर है, तो जब ये रोटेट होके जाएगा तो कलर वाला पोर्शन दूसरी साइड आ जाएगा। चलिए जी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो 31 को आप ध्यान से देख लें, जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो 31 में आपका क्या आंसर आ जाएगा, सी पार्ट हमारा करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 को अगर बीच से फोल्ड करेंगे इस लाइन के सापेक्ष तो क्या फिगर बन के आएगी हमारी, ध्यान से देखें सब लोग। तो 32 का हमारा ए ही पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, करेक्ट हो जाएगा। भाग 9 की बात करते हैं, 33 से 36 तक संख्याएं दी गई हैं, कटआउट दिए हुए हैं, उनको जोड़कर हमें एक फिगर बनानी है। तो ध्यान से देखें, समस्या फिगर हमारी ये है और अगर हम इसको जोड़ें तो क्या फिगर हमारे पास बन के आनी चाहिए। देखिए एक त्रिभुज, चतुर्भुज, छोटा चतुर्भुज, ठीक है, तो यही फिगर हमारी सही बैठ रही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 34 को अगर हम जोड़ें तो 34 में हम देख पा रहे हैं कि कौन सी फिगर बन के आएगी, बी फिगर बन के आएगी। इसको आप जोड़ेंगे तो आप देख पाएंगे, कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। 35 को ध्यान से देख लें आप, तो 35 को जब आप जोड़ते हैं तो क्या आंसर आपका आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 35 का, तो आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 36 की बात करें, 36 को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, 36 को जोड़ने पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली जो है केवल फिगर यहाँ पर बन रही है, प्लस ये वाला हिस्सा यहाँ पर है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए सी पार्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी भाग 10 की बात करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें फिगर छाटनी है, वो उसके अंदर ढूंढनी है, छुपी हुई फिगर को ढूंढना है। तो अगर हम बात करें 37 की, तो 37 का जो फिगर हमें ये दिखाई दे रही है त्रिभुज वाली, ये हमें डी ऑप्शन में दिखाई दे रही है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। 38 की बात करते हैं, तो 38 में हमें बी पार्ट में फिगर दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पर ये रही, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेटा आप प्रैक्टिस करते रहें, आप भी इस तरीके से एकदम से देख पाएंगे, तो सारे प्रैक्टिस सेटअप करें, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाने हैं। 39 की बात करें, तो 39 में ए पार्ट में हमें ये फिगर दिखाई दे रही है, देखिए, ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 40, तो 40 को अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा सी पार्ट में हमें ये फिगर दिखाई दे जा रही है। तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन छोड़ दें। अगर आपको उसके प्रैक्टिस सेट चाहिए, पेपर चाहिए, मॉडल पेपर वगैरह चाहिए, सॉल्यूशन भी चाहिए, तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज छोड़ सकते हैं तथा ये सब पेपर वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, कोर्स स्टार्ट करने तथा निश्चित सफलता के लिए दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें।